हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं क्या बोलूँ यार आप लोगों से, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को भी एक टाइम पे कभी ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी यार। मेरे लिए मतलब आज का एक दिन है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मतलब मेरे साथ जो हुआ कल, मैं आप लोगों को कुछ कैसे बताऊँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या बोलूँ, क्या बोल रहा हूँ मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि यार अब क्या होगा भाई। मतलब मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था, कल की बात है, कल शाम में मैं एक वीडियो शूट कर रहा था। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, मैं गया शूट करने के लिए, इंट्रो दे रहा था। तो उस टाइम पे मेरे को ना दो लड़के मिले। वो पहले तो उन लोगों ने ऐसा रिएक्ट करा कि वो मेरे फैंस हैं। तो उन लोगों ने मेरे को बोला, हाय आप आ रहे हो ना? मैंने कहा हाँ, क्या वो बताओ। तो बोल रहे कि ये वो, मैं हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं ऐसे ऐसा करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो हाथ हाथ मिलाया उनसे, फिर उन लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो वोटो क्लिक करी। मैं भी खुश हो गया कि यार चलो अच्छा है, फ्रेंड्स वेंड्स मिलते हैं तो सबको खुशी होती है, मैं भी खुश हो गया। फिर उन लोगों ने मतलब फ़ोटो, हाँ एक बंदा था, दो बंदे थे, तो उसमें से एक बंदा था वो आया, बोलता भाई फ़ोटो ले ले। मैंने कहा ले लो भाई। तो उसने अपना कैमरा खोला और वो जैसे ही पिक लेने लगा, इन्हें पता नहीं उसी बंदे ने शायद, हाँ जो पिक ले रहा था ना, उसी ने कुछ जेब से निकाला और उसने सीधा मेरे आँख पे मारा। और उसी टाइम मेरे आँख से ब्लड आने लग गया और मैं नीचे गिर गया। आलम उस टाइम मेरी वीडियो शूट कर ही रहा था क्योंकि मैं इंट्रो बना रहा था उस टाइम, तो शायद कैमरा ऑन था। तो उन लोगों का फेस वगैरह तो सब कुछ उसमें आ गया है, पर मैं ये सोच रहा हूँ उनके साथ, उनको तो वो होगा कि मतलब उनके ऊपर कंप्लेन हो या जो भी हो, उनके साथ जो भी होगा वो तो होना ही है। उनका फेस भी दिखा है और मुझे पता भी है किसने करवाया है, मेरे को सब समझ आ रहा है कि किसने करवाया है। और हाँ, मैं आप लोगों को क्लिप दिखाता हूँ जिस क्लिप में, मतलब मैं उस टाइम जब इंट्रो शूट कर रहा था ना, तो ये ऐसा ऐसा उस टाइम हुआ। उन लोगों ने मेरी फोन छीनने की भी कोशिश करी थी, तो पहले तुम ये वाली क्लिप देख लो एक बार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपकी फेवरेट वीडियो अगेन आ चुकी है जो कि होने वाली है टेकिंग डेयर्स फ्रॉम माय गर्लफ्रेंड पार्ट टू। मैंने उस पे बोला था 25 के लाइक हो जाएंगे, तो मैं इस वीडियो का पार्ट टू बनाऊंगा और जो मैं शूट करने वाला, तो मैंने सबसे डेयर्स मंगवा लिए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं भाई, हमारा फेमस होता जा रहा है। ओए बने अरुण भाई के लग गई भाई, क्या हुआ दिखाना, वो खून आ रहा है भाई, पुलिस को बोल। रुको भाई, भाई कौन लोग थे ये? तो गाइस अभी आप लोगों ने वाली वीडियो देखी होगी और मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने आज तक किसी के लिए ना कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोचा, माँ कसम कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। बल्कि मेरे साथ के जो बंदे हैं, जो मतलब मेरे हेटर्स भी हैं ना, अगर वो भी मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनसे बस इतना ही बोलता हूँ कि भाई तुम भी करो, तुम भी एक दिन आगे बढ़ जाओगे। शायद अभी मेरे 4 लाख हुए थे, तो मैं थोड़ा मैंने स्टोरीज वगैरह लगाई थी और मैं थोड़ा खुश भी था अभी, तो शायद यही देखा होगा किसी ने। और मुझे शक तो है एक बंदे पे, तो शायद उसी ने करवाया होगा ये सब। मतलब मैं उसका नाम ऐसे ले नहीं सकता, क्या पता उसने करवाया हो नहीं करवाया हो, बट जिन लोगों ने करा है उनकी वीडियो तो आ गई है, तो मैंने वो दिखा दिया है। अब पता नहीं क्या होगा, बस अब देखते हैं यार। मन तो नहीं है मेरा कुछ भी, मैं ये वीडियो भी बनाने नहीं वाला था, पर मैंने सोचा कि अब जब आप लोगों से सब कुछ है तो आप लोगों को बस बता तो दूँ कम से कम। ये क्या ही बोलूँ यार उसके आगे, मैं बस यार वही, अब सब कुछ खराब हो गया, फ्यूचर खराब हो गया। यार पता है मम्मी ना कल रात से रो रही है, क्या ही बताऊं मैं। बस मैं पता है अपने घर में सिर्फ एक लौता लड़का हूँ, पापा परेशान है, मम्मी परेशान है। सो गाइस, बस इतना ही बोलूंगा कि मुझे जस्टिस जरूर दिलवाना और कमेंट में हर जगह मतलब जस्टिस फॉर आर्यन लिख देना अगर आपको सही लगे तो। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है ना, वो किसी के साथ अब ना हो, मतलब कभी भी किसी के साथ ना हो। मैं यार बस मैं तो यही कोशिश करता था कि आप लोगों को हंसा सकूँ। मेरे व्यूज़ आए ना, मैं फिर भी वीडियो बनाता था, बहुत बार डीमोटिवेट हुआ, वापस मेरे दोस्तों ने मोटिवेट करा कि बना यार, एक नहीं तो कोई और चलेगा, पर मैं बनाता था हर बार। पर वही है ना, क्या ही बोल सकते हैं, किस्मत में जो होता है वही होता है। तो बस इतना ही बोलूँगा यार, शायद ये ब्लास्ट वीडियो होगी, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ।
एक वीडियो की क्लिप और है जिसमें वो लोगों का फेस पूरा क्लियर दिख रहा है, मतलब जब वो लोग भाग लग गए थे तो उनके फेस वेस पूरा क्लियर दिखा था, वो वाली क्लिप एक बार तुम लोग देख लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है, और वो लोग कौन है वो भी पता चल जाएगा तुम लोग को, देख लो एक बार ये वाली क्लिप। सो गाइस अभी मैं व्लॉग बना रहा था, किसी ने मेरे आँख पे बहुत ज्यादा मार दिया है, मेरे को इस आँख से बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, ब्लडिंग भी हो रही थी। सो गाइस आप लोगों के ऊपर हो चुका है प्रैंक, अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रैंक। सारे यूट्यूबर प्रैंक करते हैं, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरे को पता था, तुम लोगों को पता तो चल चुका है कि इस टाइप के प्रैंक्स होते हैं, तो मैंने थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का प्रैंक कर दिया है, और अगर तुम लोगों को बुरा लगा होता यार उसके लिए सॉरी, पर इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर तुम्हारे ऊपर सच में प्रैंक हुआ है। और उसके बाद ये सीन है, कोई भी कमेंट में जाके नहीं बताएगा कि ये प्रैंक है, तुम्हारे पे हो चुका है ना, दूसरों पे भी होने दो प्रैंक, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, और ऐसे लिख देना आर्यन भाई के साथ बहुत गलत हो गया, सपोर्ट हैशटैग वायरल करा दो, जस्टिस फॉर आर्यन।